गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जीव विज्ञान में अनुकूलन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन किस तरीके का होता है ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों दोनों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो अनुकूलन की जो डेफिनेशन है बच्चों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है। तो जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन या अनुकूलन किसे कहते हैं ये बच्चों क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन का मतलब होता है बच्चों कि पेड़ पौधे, चाहे हम पेड़ पौधों की बात करें या हम किसी जंतु की बात करें, जब वो किसी विशेष एनवायरनमेंट में जाते हैं, या मान लीजिए बच्चों वहां की परिस्थितियां कुछ उनके रहने के विपरीत हो गई हैं, जैसे जो कैमल होता है जो राजस्थान के डिजर्ट में रहता है बच्चों, वो भी अपने आप को वहां के वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित कर लेता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे और जंतु जब किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, या जहां पे वो रह रहे होते हैं वहां के एनवायरनमेंट में कोई बड़ा चेंज या परिवर्तन होता है, तो बच्चों पेड़ पौधे या जंतुओं की ये क्षमता जो उसमें अपने आप को रहने के लिए उस वातावरण में अनुकूलित कर लें, यही क्या कहलाता है, पेड़ पौधों या जंतुओं का अनुकूलन कहलाता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है कि बाह्य आकार की पौधों की और उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही हमने बताया कि जिस वातावरण में वो रह रहे होते हैं, अगर वो वातावरण में कोई भी उस वातावरण में चेंज होता है, तो पौधे के पास वो क्षमता होती है उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करने की। इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम अनुकूलन कहते हैं। अब बच्चों इन विशेष परिस्थिति अनुकूलन और आवास के आधार पर पौधे को क्या है, विभिन्न समूहों में रखा गया है। एक समूह होता है जलोद्भिद पौधे का, दूसरा समूह किसका होता है बच्चों, दूसरा समूह होता है मरुद्भिद पौधों का, तीसरा समूह होता है बच्चों मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स या हम इसे क्या कहते हैं, समोद्भिद, समोद्भिद, और चौथा ग्रुप जो होता है बच्चों वो होता है लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स का। तो इस विशेष अनुकूलन के आधार पर बच्चों पौधों को चार समूहों में रखा गया है। पहला समूह क्या है, जलोद्भिद पौधों का। तो बच्चों जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उसमें क्या अनुकूलन होते हैं, तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है जलोद्भिद का मतलब क्या है कि ये पौधे पूरी तरह से क्या होते हैं, जल निमग्न होते हैं। जल निमग्न का मतलब होता है बच्चों जल में डूबे रहना पूरी तरीका से। तो जब ये जल में पूरी तरह से डूबे रहेंगे तो इनकी जड़ें और जो प्रकंद होते हैं ये सब किसके संपर्क में, ये सब पानी के संपर्क में रहती हैं। चूंकि बच्चे ये जलोद्भिद पौधे हैं, ये पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं, अगर ये जल में डूबे रहते हैं तो इनकी जड़ें और प्रकंद ये भी पानी के संपर्क में रहते हैं। अब ये जल में डूबे रहते हैं बच्चों, और इनको प्रकाश भी जो मिलता है वो मंद प्रकाश मिलता है। इसके कारण इन पौधे के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दुर्बल होते हैं, पतले होते हैं और कोमल होते हैं। तो जलोद्भिद का मतलब बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, जलोद्भिद का मतलब होता है कि जल में पूरी तरह से डूबे हुए पौधे। अगर ये जल में पूरी तरह से डूबे हैं तो इनकी जड़ें और प्रकंद पानी के संपर्क में रहेंगी, और
इनको क्या मिलेगा बच्चों? इनको मंद प्रकाश मिलेगा, चूंकि प्रकाश भी इनको अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पौधे कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, पतले और कोमल होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जलोद्भिद पौधे अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं जल में रहने के लिए। तो पहला अनुकूलन है बच्चों, इनको इनके जड़ों में क्या अनुकूलन होता है? इनकी जड़ें जो होती हैं बच्चों, वो प्रायः कैसी होती हैं? इनकी जड़ें जो होती हैं बच्चों, वो प्रायः कम विकसित, या हम कह सकते हैं इनकी जड़ें अनुपस्थित होती हैं। तो इनके जड़ों में क्या अनुकूलन होता है बच्चों? इनकी जड़ें प्रायः कम विकसित होती हैं, या हम कह सकते हैं ये कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। अभी हमने बताया कि ये कम विकसित, कम विकसित का मतलब यदि जड़ें उपलब्ध हैं तो वो कैसी हैं होती हैं? ये रेशेदार होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, शाखा विहीन होती हैं, मतलब इन जड़ों में ऐसी कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं, ये बहुत ही कम शाखीय होती हैं। शाखा विहीन का मतलब बहुत कम शाखा वाली होती हैं। जड़ों में बच्चों क्या होता है? जड़ों में मूल रोम पाया जाता है, लेकिन जो जलोद्भिद पौधे होते हैं इनमें मूल रोम, या तो हम कह सकते हैं जड़ों की तरह क्या होता है, या तो अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है। कुछ पौधे होते हैं बच्चों जैसे समुद्र शोक और पिस्तिया नामक जो पौधे होते हैं, इनमें मूल गोप के स्थान पर क्या होती है? एक अन्य संरचना पाई जाती है, मूल पॉकेट। तो बच्चों जो समुद्र शोक और पिस्तिया नामक पौधे होते हैं, इस पौधों में मूल गोप का मतलब होता है बच्चों रूट कैप। रूट कैप के स्थान पे क्या होती है? रूट पॉकेट पाई जाती है। तो ये दोनों पौधे अपने में इस तरह से अनुकूलन कर लेते हैं कि उनका रूट कैप के स्थान पर क्या मिलता है बच्चों? रूट पॉकेट मिलता है। तो हम देख लिए कि जड़ों में क्या अनुकूलन होता है, इनकी जड़ें या तो कम विकसित होगी या अनुपस्थित होंगी, मूल रोम भी वैसे ही होते हैं, या तो कम विकसित होंगे या अनुपस्थित होंगे, और जड़ें अगर उपलब्ध हैं तो वो कैसी होती हैं? प्रायः रेशेदार होती हैं, अपस्थानिक, छोटी होती हैं, शाखाएं भी नहीं होती हैं। दूसरा अनुकूलन क्या होता है बच्चों? तनों में क्या अनुकूलन होता है? चूंकि ये पौधे कैसे होते हैं? जल में पूरी तरह से डूबे होते हैं बच्चों, इसलिए इनके तने कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और बहुत स्पंजी होते हैं, जिसके कारण जो पानी बहता रहता है उस पानी के बहाव के कारण इन्हें कोई हानि नहीं होती है। तो इस तरीके से ये अपने तनों में अनुकूलन कर लेते हैं। इनके तने स्पंजी होते हैं, मुलायम होते हैं, पतले और लंबे होते हैं, जिसमें जो है इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है जो पानी ये बहता है, क्योंकि ये जल निमग्न पौधे होते हैं, इनकी जड़ें और तने पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों पत्तियों में क्या अनुकूलन होता है। जो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं उनकी पत्तियां प्रायः कैसी होती हैं? पतली होती हैं। तो बच्चों इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? बहुत पतली होती हैं। कुछ जलस्थलीय पौधों जैसे सैजिटेरिया, जल धनिया, इन सब में क्या होता है? इन सब में विषम पर्णी दशा होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जलोद्भिद पौधों में शारीरिकीय अनुकूलन क्या होता है, मतलब पौधों की जो विभिन्न आंतरिक संरचना या इनकी शारीरिकी होती है, इसमें क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो रंध्र, या हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं, इसमें जो स्ट्रोमेटा होते हैं वो हम क्या कह सकते हैं? वो प्रायः कैसे होते हैं? जो पौधे जल में डूबे होते हैं उसमें जो स्ट्रोमेटा और रंध्र होते हैं वो प्रायः अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो कैसे होते हैं? पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है वहीं तक विकसित होते हैं। तो बच्चों आप क्या समझे, जो जल में डूबे पौधे होते हैं उसमें रंध्र या स्ट्रोमेटा नॉर्मली कैसे होते हैं? वो अनुपस्थित होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो पौधे की ऊपरी सतह पर ही सीमित रहते हैं। कुछ जल स्थलीय पौधे ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनकी पत्तियां जो होती हैं जल से बाहर निकली रहती हैं, ऐसी पत्तियों में रंध्र क्या होते हैं? दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। दूसरा अनुकूलन क्या है बच्चों? यांत्रिक ऊतक के बारे में, या मैकेनिकल टीसू हम कहते हैं इसे, मैकेनिकल टीसू कहते हैं। तो जलोद्भिद पौधों में यांत्रिक ऊतक में क्या अनुकूलन होता है?
जो पौधे जल में डूबे रहते हैं, इसमें जो मैकेनिकल टिश्यू या यांत्रिक ऊतक होता है, ये प्रायः अनुपस्थित होता है या बहुत कम विकसित होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ये जो जलोद्भिद पौधे हैं, ये पूरी तरह से जल में डूबे हैं, इसीलिए इनकी जड़ें भी कैसी हैं, वो प्रायः अनुपस्थित या बहुत कम विकसित हो रही हैं। और इनके तने कैसे हो रहे हैं? बहुत पतले हो रहे हैं, कोमल हो रहे हैं, स्पंजी हो रहे हैं। और इसमें मैकेनिकल टिश्यू भी, प्रायः मैकेनिकल टिश्यू का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि ये जल में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, इसलिए मैकेनिकल टिश्यू भी प्रायः इसमें जो है अनुपस्थित या कम विकसित होता है। इसके बाद का अनुकूलन संवहन बंडल या वैस्कुलर टिश्यू है। तो जो जलोद्भिद पौधे या जल में डूबे पौधे होते हैं, उसमें संवहन ऊतक जो होता है बच्चों, बहुत कम विकसित होता है। कम विकसित होगा तो ये कम भिन्न होगा। एक अनुकूलन और है, इनकी जो बाह्य त्वचा, या इसे क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस, इनकी एपिडर्मिस कैसी होती है जलोद्भिद पौधों की? इनकी एपिडर्मिस बच्चों, जो बाह्य त्वचा होती है, प्रायः कैसी होती है? इकहरी इकहरी परत, या हम कह सकते हैं सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। इकहरी परत का मतलब बच्चों, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। और इनकी जो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है, इस पे क्यूटिकल, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उप त्वचा, क्यूटिकल इसमें नहीं होता है। ये पौधे जल में डूबे होते हैं, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो प्रायः सिंगल लेयर्ड में होती है, और इसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा कि जलोद्भिद पौधों में अकारकीय अनुकूलन क्या होता है, कारकीय अनुकूलन क्या होता है। तो बच्चों, ये जो जड़ों में अनुकूलन है, तनों में और पत्तियों में ये अनुकूलन है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये सब आता है अकारकीय अनुकूलन में आता है। और जो ये जलोद्भिद पौधों में रंध्र हो गया, यांत्रिक ऊतक हो गया, संवहन बंडल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, ये शारीरिकीय अनुकूलन में आता है। तो बच्चों, इस तरीके से आपने अनुकूलन देखा, और जलोद्भिद पौधे जलीय वातावरण में रहने के लिए अपने आप को किस तरह से अनुकूलित करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने बच्चों इस क्वेश्चन को देखा। अगर इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट हो, तो आप उसको हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।